अब वीडियो बंद कर दो अपने, बस एक मिनट में शुरू करते हैं, अपने सारे आ जाए। हाँ जी, ओके चलिए फिर बात शुरू करते हैं अपने। एक बात तो जो कल किया था उसी को रिवाइज करेंगे, जस्ट अ मिनट, एक आध कोई और बेटा माइक बंद कर लो अपने। ओके तो अब देखो, कल जो हमने किया था ना, जो हमने कल किया था उसको जो है ना, उसको ध्यान में रखते हुए एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं जो कल हमने किया था। ठीक है, देखो कैसे, जो जो कल हमने कर लिया था उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो ठीक है, ओके। तो अब इसमें क्या है कि कल जो मैंने आपको बताया, हमने बात शुरू करी स्फेरिकल मिरर्स से। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स की जब आप बात करते हैं, थोड़ा सा 5-7 मिनट लगेंगे, कल वाला एक बार रिवाइज करें। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टू टाइप्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो ये दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव में जो गुफा वाला हिस्सा होता है, कैविटी वाला हिस्सा, वो रिफ्लेक्टिंग होता है, और कॉन्वेक्स में जो आपका उभरा हुआ हिस्सा होता है मिरर का, वो रिफ्लेक्टिंग होता है। ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये कल हम ऑलरेडी जो है हम इसको जो है पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है कि यहां पर कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको कल सिखाई थी। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको कल सिखाई थी, वहां से हम बात को शुरू करते हैं। देखिए कैसे, जो जरूरी चीजें हैं, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया। ठीक है, एक बार कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर जो होता है, वो मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर की शेप कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो ये जो है, इस सबसे पहली बात, वैसे अपर्चर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ए ए डैश, जैसे ये पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवेलेबल है,
ठीक है, जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवेलेबल है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं एपर्चर। ठीक है, तो एपर्चर में जो है एपर्चर की जब हम बात करेंगे तो बस इतना से, जैसे आपको मैंने बताया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवेलेबल है वो एपर्चर है। ठीक है, एपर्चर के बाद इस एपर्चर का बीचों बीच वाला हिस्सा, मिरर का बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट, हिस्सा नहीं पॉइंट, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पोल, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या आई थी कि जैसे ये जो शीशा है ये कैसे बनाया हुआ, कोई ना कोई हमने बड़ी एक कांच की बॉल में से काट के बनाया था। तो उस कांच की जो बॉल है, ठीक है, उस कांच की बॉल की जब हम बात करेंगे तो यहां पर इस बॉल का सेंटर है, यानी ये सेंटर है, इस पूरी कांच की बॉल का सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये एक्चुअली स्फीयर का सेंटर है, इसको सी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल सी। ठीक है ना, ये स्फीयर का पूरा सेंटर कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें क्या चीज आती है कि ये जो है पर्टिकुलर सी जो है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अभी तो मैं रिपीट कर रहा हूं कल वाली बात। फिर एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पूल को जोड़ती हुई निकल जाए, उस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं, जैसे मान लो मैंने लेवल कर दी एक्स एक्स डैश, उसको आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, उसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या थी, जैसे ये मैंने आपको जो है इसमें बताया था, उसके बाद जो है यहां पर एक और जो वेरिएबल हमने समझा, जैसे आपने देखो पी समझ लिया, आपने सी समझ लिया क्या होता है, आपने समझ लिया एक्स एक्स डैश क्या होता है, आपने समझ लिया ए ए डैश क्या होता है। उसके बाद ये सी से लेकर, ठीक है, पी तक का डिस्टेंस जो है इसको आर लिखते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सारी बातें हम कल कर चुके हैं, वही मैं रिपीट कर रहा हूं। ऐसे ही क्या होता है कि आप जो है ये बातें कॉन्वेक्स पर भी लगा सकते हैं। कॉन्वेक्स पर कैसे, कि ये वाला आपका कॉन्वेक्स मिरर है जैसे, तो ये इसका जो अंदर वाला पार्ट है, आप सब अपने माइक प्लीज बंद रखिए, ये वाला इसका जो अंदर वाला पार्ट है, ये हमने क्या किया, इसको शेड कर दिया। ठीक है, इसको जो हमने क्या किया, इसको शेड कर दिया हमने, यानी कि इसमें जो है हमने जो है शौर्य अपना वीडियो भी बंद कीजिए प्लीज, आप सभी जो है अपना वीडियो और माइक बंद करके रखा करें, and you need to only open your mic अगर आपने कुछ पूछना। ठीक है, okay, so यहाँ पर क्या है कि जो है अगर आप बात करते हैं अपने convex mirror की, तो ये इसका aperture हो गया, ये dash जो सारा का सारा available जो aperture है। उसके बाद इसका reflecting surface का center, ये बीचों बीच ये क्या हो गया, इसका pole हो गया। ठीक है, लेकिन आप एक बात को समझें कि ये भी एक कांच की बॉल में से काट के बनाया हुआ है इसको भी, तो उस कांच की बॉल का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर तो यहां पर आएगा। तो ये फर्क होता है कि कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होता है, लेकिन कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है। सी बाकी जो है उसी तरीके से, जो एक अगर आप इमेजिनरी लाइन लेंगे विच पासिस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको आप क्या बोल देते हो, प्रिंसिपल एक्सिस एक्स और x dash। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपके पास हो गई, और ये आपके पास जो है यहां पर ये c और p के बीच का डिस्टेंस जो है वो अगेन आपके पास क्या हो गया, वो हो गया r। ठीक है, ये जो डिस्टेंस हुआ है क्या हुआ, r। प्लीज अपने वीडियो सब ऑफ करें। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आपको जो है छोटी-छोटी सी बातें हैं इसमें, ये आपने को जो हमने कल तक किया था ये अपने को आना चाहिए, जो हमने कल तक किया था ये अपने को अच्छे से आना चाहिए, ये बातें आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको एपर्चर चार बातें बता दी, एपर्चर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी पांच बता दी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पांच बता दी थी कल आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या चीज आती है इसमें। यहां तक कुछ पूछना है किसी, कोई डाउट कल वाला है? हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है?
ओके रियांशी ने पूछा है एपर्चर का सिंबल क्या होता है। रियांशी वैसे क्या है कि बहुत ज्यादा कुछ स्पेसिफाइड नहीं, एपर्चर ए ए डैश लिख देते हैं। यहाँ पर जो है ये ए ए डैश जो होता है इसको एपर्चर बोलते हैं, एक सिंबल नहीं है एपर्चर का, ठीक है ए ए डैश बोल देंगे इसको। एनीथिंग एल्स? ओके चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। पांच डेफिनेशंस के बाद जो है हम बात करेंगे छठी डेफिनेशन की, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या सिंपली इसको फोकस भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा जो आपको मतलब अभी आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, उससे पहले जो आपको टर्मिनोलॉजी बताऊंगी वो है फोकस। तो इसको हम जब इसकी डेफिनेशन कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए अलग अलग लिखेंगे, पहले आएगी कॉनकेव मिरर, यही हो लिख लें फॉर कॉनकेव मिरर। फॉर कॉनकेव मिरर दी When, इसमें देखिएगा when एरिया लाइट, when एरिया ऑफ लाइट टू प्रिंसिपल एक्सिस, इज इंसिडेंट व्हेन एरिया ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर। After reflection, it intersects a point on the principal axis called this point is called कंटिन्यूटी में लिख लो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी में लिख लो प्रिंसिपल फोकस और फोकस। इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोल, ठीक है आप लिख लीजिए, मैं बताता हूं ये क्या चीज है। एक भाई दो खुशी है ना, जो खुशी चलाना ने तो सरनेम लगाया है, दो खुशी कल सरनेम नहीं होगा जिस खुशी के आगे उसको क्लास में एंट्री दूंगा बस, ठीक है रोज समझा रहा हूँ एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए आपको भाई, शौर्य सरीन है क्लास में।
ओके तो अब देखो इसको हम जो है इसको आगे पढ़ते हैं। ये कैसे निकलता है इसकी डेफिनेशन देख लो आप अच्छे से, होपफुली आपने लिख लिया सबने, इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या चीज है, इसका डायग्राम बनाना है आपने, ये थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे मैं कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ, कॉनकेव मिरर का फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये जैसे कॉनकेव मिरर मैंने बनाया, ठीक है, और ये इसका जैसे ये मैंने ये लाइन बना दी, ये आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये हो गया पोल, ठीक है, और ये हो गया सेंटर। ठीक है, अब क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट, ठीक है, अब क्या होता है एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है। आपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, When a ray of light is incident parallel to principal axis, तब जो है ठीक है, तब जो है क्या होता है कि ये जो जैसे मान लो मैं अगर सिर्फ समझाने के लिए बनाऊं, एक ray of light incident हो रही है इसके ऊपर, ये आ रही है parallel दिख रही, जो कि फ्री एंड से बना रहा हूं, थोड़ा सा अब नाटक बज ज्यादा होते हैं ना कैमरे के आगे, दिखता रहूं मैं आपको, इसलिए बोर्ड दिखता रहे। ये बिल्कुल पैरेलल बनी है, ये ब्लैक वाली तो प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके बिल्कुल पैरेलल आ रही है अगर, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल आती है, तो होता क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ये रे ऑफ लाइट टकराई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ना ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, ऑब्वियसली वापस जाएगी, तो जब रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस जाती है तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, मतलब आप देखो ब्लू से मैंने क्या बनाया, ब्लू से मैंने बनाया इसमें इंसिडेंट रे, रेड से बनाया मैंने रिफ्लेक्टेड रे, और ब्लैक से मैंने क्या बनाया इसके अंदर, ब्लैक से मैंने बनाया जो है इसमें जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर कि ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर लोकेशन से क्या हो रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट करने के बाद आप क्या देखेंगे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या बोलते हो, फोकस, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही आप क्या बोलते हो, फोकस। समझ आ रही मेरी बात, यानी मैंने स्टेटमेंट ये लिखाई है कि फॉर अ कॉनकेव मिरर व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट्स अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, या हम नॉर्मली इसको सिर्फ फोकस बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया फोकस, ये डायग्राम बना लो आप, हम आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइम चार खुशी है बैच में, यहां पर सिर्फ एक ने अपना सरनेम लिखा, आप मुझे बताओ, जो भी खुशी है कल से जो है ना, बिना सरनेम के खुशी को कोई एंट्री नहीं मिलेगी, जो खुशी का सरनेम होगा वो लगा के डालेंगे अपना नाम। ठीक है,
इनफैक्ट आप अपना पूरा नाम भी लिखकर एंटर किया करो सारे, ठीक है। चलो खैर हम बात करते हैं। तो ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। अब देखो क्या है, इसी तरीके से जो है फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो है और कॉन्वेक्स मिरर, ये थोड़ा सा अलग है, आप समझना। फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन ए रे ऑफ लाइट is incident when a ray of light is incident on a convex mirror, parallel to principal axis, it gets reflected in such a way as if it has emerged, as if it has emerged from a particular point on principal axis behind the mirror, behind the mirror, this point is called the principal focus, या इसको focus, simply focus भी बोलते हैं। When a ray of light is incident on a convex mirror parallel to principal axis, it gets reflected in such a way as if it has emerged from a particular point on particular axis, principal axis, behind the mirror. This point is called the principal focus or focus. इसको principal focus या focus बोलते हैं। Simple. ठीक है? ये जो है, ये आपका जो है convex mirror के लिए focus का definition है। आप लिख लो, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या नाटकबाजी। थर्टी सेकेंड और वेट कर लेता हूं, लिख लो फटाफट। ठीक है, हटा दूं, रब कर दूं इसको। यस सर। ओके, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको। आप, आपके पास लिखा हुआ है। देखो सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप भी जो है ना शब्दों को समझ के इम्प्लीमेंट करना सीखो कि शब्द क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग जो पढ़ाते हैं ना वो बहुत बहुत कोई आप ये कोई बहुत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है। आपको भी एक आदत डालनी है धीरे धीरे कि खुद पढ़ के और खुद इंटरप्रेट करना है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको अच्छी चीजें समझ आने लग जाएंगी। अब देखो क्या चीज आती है यहां पर कि जैसे ये एक कॉन्वेक्स मिरर है,
ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉन्वेक्स मिरर का जैसे मैं ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ सीधी हो, होपफुली ये सीधी है, ठीक है। ये जो है ये पोल, और इसका आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पीछे होता है, ठीक है। अगर एक रे ऑफ लाइट, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसे मिरर से टकराने के बाद, ऐसे कॉन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है बाहर की तरफ, जैसे ये ऐसे रिफ्लेक्ट, ठीक है ना, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये क्या कहते हैं कि जब आप बात करेंगे एक कॉन्वेक्स मिरर की, तो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद ना बाहर फैलती है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, एक मिनट आप मेरी बात सुनो ध्यान से। कढ़ाई होती है, कढ़ाई उसकी मैं नकल मारता हूं, जैसे ये मेरा हाथ, मैंने कढ़ाई की तरह, अपन स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, तो कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, कॉन्केव हिस्से में बनाते हैं, और जो आग लगाते हैं कॉन्वेक्स हिस्से में लगाते हैं, वैसे मतलब ये कढ़ाई मैंने दीवार पे चिपका रखी है ऐसे, ठीक है, दीवार पे चिपका रखी है मैंने ऐसे। अब कढ़ाई के ऊपर आप बॉल फेंकते हो, ऐसे कढ़ाई एक लगी हुई है दीवार पे, जो उसका गर्म करने वाला हिस्सा है, जो मोटा कॉन्वेक्स पार्ट है वो है, उस पर मैं एक बॉल फेंकता हूँ, जस्ट इमेजिन। तो बॉल टकराने के बाद कहाँ जाएगी, ये आई बॉल सीधी, टकराने के बाद सीधी आएगी, सीधी दीवार होती ना तो बात अलग थी, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट सीधी आ रही है तो टकराने के बाद क्या होगा, वो आप समझ सकते हो इसके बाहर की तरफ जाएगी, और अगर मैं कढ़ाई के अंदर वाला, जो अंदर वाला हिस्सा होता है, उस पर अगर बॉल आके टकराएगी, उस पर अगर सीधी आके बॉल टकराएगी तो कहाँ जाएगी, वो अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, आप समझ सकते हो। यहाँ टकराई तो नीचे गई, यहाँ टकराई तो ऐसे ऊपर जाएगी, क्योंकि ये कर्व में टकराएगी अंदर की तरफ। तो कॉनकेव मिरर जो होता है ना, उसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को आप क्या बोलते हो, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हो। कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह सिमटना। तो कॉनकेव में क्या होता है कि लाइट टकराने के बाद अंदर की तरफ इकट्ठी होती है, जबकि कॉन्वेक्स में क्या होता है, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज मतलब क्या होता है, लाइट का फैलना। तो उसमें क्या होता है कि लाइट टकराने के बाद सारे में फैलती है, लाइट टकराती है, आती है, सीधी लाइट आती है तो सारे में फैलती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हो, उसको आप क्या बोलते हो, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो इस चीज को आप समझें, ओके। तो यहां पर एक दो अपन दो चार सवाल जो है ओके, वो सारे एक बार देखते हैं। फोकस का सिंबल एफ होता है, बिल्कुल प्रिया, फोकस का सिंबल जो होता है वो कैपिटल एफ होता है। अनमोल ने पूछा वही, फोकस का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, एफ फॉर फैन वाला, मैं भी लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर बक्सदीप ने पूछा ब्लू लाइन, देखो मुझे ध्यान नहीं पिछले डायग्राम, मगर इस डायग्राम में तो मैंने सिर्फ कलर जो है अलग अलग, इसलिए भी आप खुद ही समझ सकते हो, ये वाली लाइन ब्लू जो है ये इंसिडेंट है, और रेड जो है रिफ्लेक्टेड। ये कोई कलर ऑफ लाइट बताने के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ एक डायग्राम में आपको बात समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, आप ही समझो बात, ठीक है ना। डायग्राम में बात समझाने के लिए मैंने आपको किया, ये कोई वैसे असल में कलर नहीं चेंज होता, कलर तो जो लाइट का वही है, ये तो सिर्फ एक जो आप समझ लो कि फोटोन की ट्रेजेक्ट्री है, जो फोटोन आया टकराया एक बॉल, समझ लो आई टकराई और टकरा के चली गई, उसका रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसका पाथ दिखा रहा हूँ किस रास्ते को। अच्छा ये नेहरा ने पूछा है सर कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इन डेली लाइफ, बिल्कुल करेंगे नेहरा, हम आगे करेंगे इसकी बात हम स्टेज पर आकर। उसके बाद जिया ने पूछा है सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि डिफाइंड फोकस, तो अपनों को इन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन लिखनी है, तो जिया दोनों लिखनी चाहिए, आइडियली आपको दोनों लिखनी चाहिए। एग्जाम का एक नियम होता है, आप सामने वाले को मौका दोगे नंबर काटने का, वो आपके नंबर काटेगा, बस आप उसको मौका दोगे वो आपके नंबर काटेगा, आप एक चीज देख के चलो। तो अगर अगर आपको सिंपली लिखा आता है फोकस, फोकस अगर लिखा आएगा तो मेरे हिसाब से लिखा हुआ आएगा कि डिफाइन फॉर कॉन्केव और कॉन्वेक्स, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग है,
आप देख ही सकते हो, अब तो समझ सकते हो इस बात को। और नहीं तो अगर सिर्फ फोकस लिखा आता है तो आप दोनों लिख के दे दिए, उसको आप स्पेस मत दो कभी भी एग्जाम में, किसी क्वेश्चन में सामने वाले को जगह मत दो जहां पर यार बच्चे को ये और लिखना चाहिए था, ना ना फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो नंबर काट लेगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखो। और किसने पूछा है, और कोई क्वेश्चन 5-6 आ गए थे आज? ओके ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, आगे चलते हैं अपने। तो अब देखो क्या है इसमें, जो मैं बात कर रहा था ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में रे ऑफ लाइट टकराने के बाद जो है ये रे ऑफ लाइट आई, टकराई और बाहर की तरफ जा रही है, देख रहा ये बाहर की तरफ जा रही है, डाइवर्जिंग मिरर है, इससे टकराएगा फूलो, इससे से मेरे पेट से अगर मुझे टकराएगी तो वो अंदर थोड़ी जाएगी, वो ऐसे टकराने के बाद बाहर जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज ये कॉन्वेक्स की तरह निकला हुआ है, पेट भी मेरा कॉन्वेक्स की तरह निकला हुआ, तो इससे टकराएगी लाइट तो बाहर जाएगी, फैलेगी, सीधी आएगी तो चारों तरफ ऐसे फैलेगी, ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी तो चारों में फैलेगी, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में एक बात कही गई है कि जब जो ब्लू लाइट है इंसिडेंट रे, रेड लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर रिफ्लेक्टेड रे को, अगर रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे एक्सट्रापोलेट करो, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे ये रे ऑफ लाइट जो है ये पीछे से कहीं से ओरिजिनेट हुई, मिरर के पीछे से किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, और क्योंकि एक्चुअल पॉइंट नहीं है ना मिरर के अंदर, तो अपन जान सकते नहीं, मगर इसका प्रतीत ऐसे होती है, अपीयर ऐसे होती है जैसे जो है ये मिरर के पीछे से अपीयर हुई एक पर्टिकुलर पॉइंट से। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या बोलते हो? फोकस। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस होता है। एक बार आप डायग्राम बनाइए, फिर मैं जरा डायग्राम रब करके आपको जरा बात और अच्छे से समझा देता हूँ। बना लो ये डायग्राम। हाँ जी बोलो बेटा। सर फोकस पोल और सी के बीच में होता है क्या? हाँ ये बात फिक्स है, अपने धीरे धीरे बातें करेंगे। फोकस फिक्स है कि पोल और सी के बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी अभी हम आगे बात करेंगे तो जो फोकल लेंथ बोलते हैं, अभी नेक्स्ट टर्म जो आगे करेंगे, फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की एग्जैक्टली आधी होती है, वो अपने नेक्स्ट टर्म में करेंगे। एक बार मैं फोकस क्या होता है वो समझाने पे मेरा ध्यान है सर, और फोकस पी और सी के चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स उसके बिल्कुल बीचों बीच आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया आपने? ये डायग्राम बना लिया सबने? तो अब देखो क्या है, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं, माइक वगैरह अपने बंद कर दो, कि ये क्या चीज है। देखो जैसे मान लो ये एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, ठीक है, मैं कोई और दो तीन रेज इसमें पैरेलल बनाऊं, मान लो और आई, ये एक और पैरेलल, ये एक और पैरेलल, ये एक और पैरेलल, ये और एक पैरेलल, कोई भी पैरेलल आने वाली रे ये बाहर की तरफ फैलेगी, लेकिन ये फैलेगी ऐसे ऐसे फैलेगी जैसे कोई ये फोकस में से मान लो ये रे नीचे नीचे बनेगी, ये रे जो जाएगी, ये रे जाएगी जब ऐसे तो ये बाहर ऐसे बाहर की तरफ डाइवर्ट होगी, मान तो बात ये डाइवर्टिंग मिरर है, लेकिन डाइवर्ट होगी ना तो कुछ ऐसे होगी कि अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करूंगा ना तो ये जाके कहां मिलेगी, उस फोकस पे मिलेगी, ठीक है ना, फ्री हैंड से बना रहा हूं थोड़ा सा, तो ये उस फोकस पर ही जाके मिलेगी। कोई भी रिफ्लेक्टेड रे, सारी नहीं, सिर्फ जो पर्टिकुलर पैरेलल आ रही है, टेढ़ी-मेढ़ी आने वाली नहीं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो आ रही है, काली वाली लाइन मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, उसके पैरेलल आने वाली हमेशा जब भी रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी जैसे कोई वो इस फोकस में से बाहर निकल, जैसे ये वाली इस वाली रे को देखते हैं, दूसरी रे इसकी भी जो रे है ये ऐसे जाएगी जैसे कोई जो है ये इसमें से बाहर निकली, फोकस में से बाहर निकली, इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये फोकस में से आएगी, जो भी पैरेलल आएगी, जो भी रे पैरेलल आएगी, सपोज करो ये वाली रे, तो ये वाली रे भी ऐसे जाएगी कि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ऐसे लगेगा जैसे ये फोकस में से बाहर निकली, कोई भी रे जो पैरेलल आ रही है ये भी रे ऐसे जाएगी डाइवर्ज होगी कि ऐसे लगेगा कि पीछे से कहां से बाहर से निकली है, इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, और उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? फोकस। कुछ कुछ मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना, तो यानी कोई भी रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर के केस में कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आई रिपीट बार बार कह रहा हूं,
कंडीशन है पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, वो डाइवर्ट हो फैलेगी। देखो आप ईयर ऑफ रेड वाली क्या है, फैलती हुई दिख रही है, तो ये ऐसे फैलेगी एज इफ दे हैव इमर्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट बिहाइंड द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फोकस। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हो, फोकस बोलते। इसी तरीके से ये डायग्राम भले ही बनाने की जरूरत नहीं, बात समझ लो आप। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे कॉनकेव में, तो कॉनकेव में क्या होता है, मैंने आपको भी डेफिनेशन बताई कॉनकेव में क्या होता है, जैसे कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर जो है आप समझ सकते हो कि वो तो कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। जैसे ये मान लो मैंने बनाया ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर एक रे ऑफ लाइट मैं मान लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाता, ठीक है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूं, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट पर पर्टिकुलर इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या बोलते हो, फोकस, कैपिटल एफ। खाली यही रे नहीं, कोई भी रे जो पैरेलल आ रही है, कोई भी रे में और रेज बनाए तो पैरेलल इसमें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और रेज बनाए तो ये बनाए तो ये बनाए तो ये सब कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज होंगी मतलब सिमटेंगी और एक ही जगह पर सिमटेंगी, इकट्ठी होंगी एक जगह पर रिफ्लेक्शन के बाद। देखो जैसे ये वाली रे, तो ये भी रिफ्लेक्ट ऐसे होगी कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलेगी, फोकस में से। ये वाली रे मान लो पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहां से निकलेगी, फोकस में से। ये रे पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलेगी, फोकस में से। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या बोलते हो, फोकस बोलते हो। यानी जो है, अब आप यहां ध्यान से समझना कि कॉनकेव मिरर का फोकस रियल है, एक्चुअल में है, या एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काटती, लेकिन कॉन्वेक्स का जो फोकस है ना वो वर्चुअल कहलाता है। वर्चुअल का मतलब समझते हो आप, वर्चुअल का होता है इमेजिनरी, वो क्या वर्चुअल कहलाता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि सच में वहां से रेज निकल नहीं रही है, प्रतीत होती है, इट अपीयर्स। जैसे आप वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हो वीडियो गेम्स को, तो वर्चुअल क्या है यार, ख्यालों की दुनिया, तो ये हमारा ख्याल है, ठीक है ना। जब कॉन्वेक्स की बात करते हो आप, कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो पीछे की तरफ होता है, शीशे के अंदर की दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड है, शीशे के बाहर की दुनिया जो है वो रियल वर्ल्ड है, ऐसे याद रखो। तो कॉनकेव मिरर का फोकस जो होता है वो रियल फोकस कहलाता है, कॉन्वेक्स का जो होता है वो वर्चुअल कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम है उसमें एक लाइन आप अपने पास लिख लीजिए कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स